मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दत्तवल नालागढ़ मॉडर्न वेल इक्विप्ड ओटी आईसीयू इमरजेंसी लिथोट्रिप्सी एंड फैसिलिटी फॉर ऑल टाइप ऑफ जनरल सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी गायने सर्जरी एंड अदर सर्जरी ऑल्सो। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा रडियाली पंचायत के गांव चूहवाल में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को नुक्कड़ नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया। रडियाली पंचायत की प्रधान इंदु वैद और पंचायत वासियों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रधान इंदु वैद ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम करवाते रहने चाहिए और हम सभी को मिलकर जितना हो सके समाज में कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुँचाना चाहिए। पेंशन प्राप्ति की जो आयु सीमा थी वो 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष कर दी है और बताना चाहूंगा कि इससे 2,00,000 वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हुए। यह हम आप सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि बिना आयु सीमा के ये पेंशन सरकार ने इसकी जो आयु थी वो 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष कर दी है। प्लीज एक बार जोरदार ताली हो जाए आप सभी के लिए। और इसी के साथ साथ बताना चाहूंगा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब बढ़ाकर 750 रुपए कर दी है, 10,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी है। और इसी के साथ साथ जैसे कि आप सामने लगे टैक्सेस के माध्यम से भी देख सकते हैं, सरकार ने एक योजना चला रखी है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, जिसके अंतर्गत आप सभी को सिलेंडर भी दिए गए। जिन जिन लोगों को जो पात्र व्यक्ति थे उन्हें सिलेंडर दिए गए। ऐसी बहुत सी सरकार ने योजना चलाई है और उसी के साथ की एक योजना है केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना। जिन लोगों के पास अपने महिलाओं के पास सिलेंडर नहीं थे उनके लिए सिलेंडर दिए गए। सरकार और हमारे बीच में डायरेक्ट जो भी सुविधाएं सरकार द्वारा हमें दी जाती है उसके बारे में हमें बहुत सी चीजें बताते हैं जिसका हम सदुपयोग कर सकते हैं, हम उसको और दूसरे लोगों को बता सकते हैं। सूचना एवं जनकल्याण विभाग हमारे बीच की एक ऐसी कड़ी है जो सरकार की बात हम तक पहुंचाता है। तो मैं ग्राम पंचायत रडियाली की तरफ से इस डिपार्टमेंट से आए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगी और साथ ही साथ उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रत्येक कल्याणकारी योजना प्रत्येक नीतियों के बारे में हमें जागरूक कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम के बारे सर बताएंगे आप जी? और ये बताएं कि सरकार ने क्या क्या योजनाएं दी हैं। जैसा कि अभी आपने कार्यक्रम के माध्यम से सुना, प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं जनकल्याणकारी योजनाएं, उन योजनाओं के बारे में हमने यहाँ पे जानकारी दी। और उसी के साथ साथ मैंने आपसे अभी बात की कि
सुशासन से जन सेवा सरकार द्वारा जो की जा रही है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महिलाओं के प्रति हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने गुड़िया हेल्पलाइन चला रखी है 1515 पे। यदि कोई महिलाओं के लिए कोई समस्या हो तो इस नंबर पर, टोल फ्री नंबर ही है, इस पर फोन करके उन महिलाओं के लिए तुरंत पुलिस द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, सुरक्षा प्रदान की जाती है। और बताना चाहूँगा मैं कि इस हेल्पलाइन पर 1233 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 1196 का निपटारा किया गया और 72 शिकायतों पर FIR दर्ज की गई। यानी कि ये बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का। और इसी के साथ साथ सरकार ने शक्ति बटन ऐप भी डाउनलोड की है, शक्ति बटन ऐप चला रखी है, जिसे महिलाओं को डाउनलोड करना होता है अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, और उसके माध्यम से भी 20 सेकंड में तुरंत जब जहाँ पर महिलाओं को कोई परेशानी होती है 20 सेकंड में वहाँ पे पुलिस द्वारा उन्हें सहायता प्रदान की जाती है। उस आज का जो ये कार्यक्रम है, ये सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा आयोजित जो सरकार की नीतियों और सरकार की जो भी जन कल्याणकारी जो भी नीतियाँ हैं उनको लोगों तक पहुँचाने का जो कार्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग करता है वो बखूबी बहुत अच्छे से ये लोग कर रहे हैं। और इसका जो है हमारी जो आम जनता को बहुत फ़ायदा मिलता है, जिन नीतियों के बारे में, जिन योजनाओं के बारे में उन्हें ज्ञात नहीं होता उनके बारे में वो अच्छे से जान पाते हैं, जिसका आगे उसमें अपने उसमें योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सूचना एवं जन संपर्क विभाग ने बड़े अच्छे से यहाँ कार्यक्रम किया, जिसमें मनोरंजन के साथ साथ योजनाओं के बारे में बहुत बखूबी बताया, जिसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे मैम? महिलाओं के लिए मेरा यही कहना है कि महिलाओं को सबसे पहले तो अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए, महिलाओं को अपने अपने आसपास का जो वातावरण है वो अपने अपने लिए जो है एक पॉजिटिव उसको बनाना चाहिए, जिसमें महिलाएं खुद कार्य कर सकती है और अपने लिए अपने समाज को एक अच्छा वातावरण देने के लिए महिलाएं ही एक ऐसी कड़ी है जो समाज को एक अच्छा वातावरण दे सकती है, चाहे वो अपने बच्चों के रूप में है, चाहे वो आसपास का अपना जो है किसी भी रूप में नेगेटिव को अगर पॉजिटिव बदलने का कोई कार्य कर सकती है, तो वह मैं सोचती हूँ कि हमारी स्त्री शक्ति ही। नालागढ़ से आरती शर्मा, डॉली की।